स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने क्या देखा था? कल हमने ये देखा था कि नंबर्स अप टू 100, ठीक है। फिर हमने देखा था नंबर्स नेम, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको इनके नंबर्स नेम राइट डाउन करने हैं। कैसे? वंस, टेंस, 100 के थ्रू, थ्री डिजिट नंबर, ठीक है। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे वंस, 100, 1000, ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखते हैं इनको नंबर्स नेम में आपने क्या लिखा है। देखो, ये है 92, वंस टेंस, ये है वंस, ये है टेंस, दोनों साथ आते हैं तो 92, 85, 670, ये वंस और टेंस साथ में आते हैं, 100 के साथ आते हैं, तो 670, ये है 164, 164, ये है 372। आपने अब तक ये नोटिस कर लिया कि ये है वंस, ये है टेंस और ये है 100, ठीक है। फिर ये दोनों साथ आते हैं, ये अकेला आते हैं, ये हो गए हमारे थ्री डिजिट नंबर, ठीक है बेटा। ये बताओ, थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? वो होता है 100, ठीक है। क्योंकि 100 से ही तो थ्री डिजिट आते हैं, 100 से पहले तो 99 आते हैं, वो तो टू डिजिट नंबर है, ठीक है। 100 के बाद आते हैं 101, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है थ्री डिजिट? 100। थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा? 999, क्योंकि इसके बाद तो 1000 आ जाते हैं। 1000 क्या है? फोर डिजिट नंबर, ठीक है। क्या है? फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर भी कह सकते हैं हम 1000 को, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं, आज क्या देखेंगे हम, हमारी बुक में देखेंगे हम नंबर्स नेम, ठीक है। अभी हम देखते हैं नंबर्स नेम। सो अपनी थर्ड क्लास में फोर डिजिट नंबर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फोर डिजिट नंबर किसे कहेंगे? जिसमें चार डिजिट होते हैं। स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सा बताया है मैंने अभी? 1000। क्या बताया मैंने अभी आपको स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर? 1000, ठीक है। देखो, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सा स्मॉलेस्ट? क्या बताया मैंने? 1000, ठीक है। चार डिजिट है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9999, ये क्या है? फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ये क्या है? फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम नंबर नेम कैसे करते हैं? मैंने अभी कहा 9999, ये मैंने कैसे नोटिस किया? तो फोर डिजिट्स को कैसे लिखेंगे? थ्री डिजिट्स के लिए क्या था? वंस, टेंस, 100, ठीक है। थ्री डिजिट के लिए ये था, फोर डिजिट के लिए आएगा 1000। फोर डिजिट के लिए साथ में क्या आएगा? 1000, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वंस, टेंस, 100, 1000, इसके नीचे हम अपनी डिजिट लिख सकते हैं। जैसे मेरे को ये फोर डिजिट नंबर है, ये लिखनी है, तो 9999 ये लिख दी मैंने, ठीक है। अब इसको नंबर नेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? नंबर नेम में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा इन दोनों को साथ रखा जाता है। 100 को मैंने क्या बताया था? हमेशा अकेला रखा जाता है। और 1000 को
या तो हम अकेला रखेंगे जब 4-digit नंबर होता है, या 5-digit नंबर होने पर 10,000 के साथ रखते हैं। अभी हमारे पास 4-digit नंबर है, अभी हमारे पास 4-digit नंबर है ना, तो हम इसको भी अकेला रखेंगे। ठीक है, अभी लिखते हैं इसका नंबर नेम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, 9 किसके नीचे है, 1000 के, 1000 के नीचे है ना 9, तो 9000 ये 9 किसके नीचे है, 100 के नीचे, तो 900 वंस और टेंस को हमेशा साथ लिखा जाता है, बताया ना मैंने अभी, वंस और टेंस साथ में लिखे जाते हैं, तो ये हो जाएगा 99। ठीक है, ये तो था हमारा 4-digit ग्रेटेस्ट नंबर का एग्जांपल। ठीक है, स्मॉलेस्ट का एग्जांपल तो हम 1000 ले ही रहे हैं। 1000 कैसे आया, देखो 1000। अब हम 1s, 10s, 100 इसके साथ में जीरो तो लिखेंगे नहीं ना बेटा, तो 1s के साथ 1000 आ गया। ठीक है, 1 के साथ 1000 आ गया। अभी मैं आपको और एग्जांपल दूं, 4-digit के और एग्जांपल दूं, जैसे आपकी बुक से लेते हैं, आपकी बुक से लेते हैं बेटा एग्जांपल। जैसे यहाँ है 3727। ये 4-digit नंबर है, 1, 2, 3, 4। हाँ भाई, ये 4-digit नंबर है। ठीक है, इसको नंबर नेम में कैसे चेंज करेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखो, 1s, 10s, 100, 1000। वंस, टेंस, 100, 1000 लिखो। वंस के नीचे वंस आएगा 7, टेंस के नीचे 2, 100 के नीचे 7, 1000 के नीचे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वंस और टेंस को साथ लिखते हैं, 100 को अकेला लिखते हैं, और 1000 को या तो 10,000 के साथ लिखते हैं, या जो 4-digit नंबर है तो अकेला लिखते हैं। ठीक है, नंबर नेम कैसे करेंगे, 3 किसके नीचे है, 1000 के, तो 3000 7 किसके नीचे है, 100 के, 700 वंस और टेंस हमेशा साथ लिखे जाते हैं, वंस और टेंस हमेशा साथ लिखे जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, 27। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। अब अपनी बुक की एक्सरसाइज देखते हैं, हमारी बुक में भी 4-digit में ऐसा ही लिखा हुआ है। देखो ये एबेकस है, इसमें आपको नीचे डिजिट दी हुई है, इनको आपको फिल करना है। जैसे यहाँ 5 दी हुई है, तो यहाँ 5 बॉक्स आपको फिल करना है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 बॉक्स फिल करना है, 3 है तो 3 बॉक्स फिल करना है। ये 4-digit के लिए एबेकस है। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं अपनी, राइट द नंबर नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नंबर्स नेम लिखना है ईच ऑफ द फॉलोइंग के लिए। नंबर्स नेम मैंने आपको बताया अभी, 1s, 10s, 100 और 1000 के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, 1s, 10s, 100 और 1000 के अकॉर्डिंग लिखना है, ये आपको होमवर्क में करना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिए हैं दो एग्जांपल्स। ठीक है, सो ये आपको होमवर्क के लिए करना है। फिर राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको नंबर्स नेम तो दिए हुए हैं, इनसे आपको न्यूमरल लिखने हैं। ठीक है, इनसे आपको न्यूमरल लिखने हैं, मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे 2506 2000 के लिए आएगा 2। ठीक है, 500 के नीचे आएगा 5, 6, 6 ये तो वंस के लिए आ जाएगा, क्योंकि टेंस का यहाँ पर कुछ दिया हुआ ही नहीं है। देखो जैसे मैं यहाँ लिख के बताऊँ आपको, ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड,
ये है 1000। अब आप पूछोगे कि मैम आपने 6 इधर क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा? तो बेटा अगर मैं यहाँ 6 लिखूंगी तो मुझे वंस में 0 लिखना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ 6 है, 60 नहीं है, ये है 06, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इधर 6 लिखा है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 06। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3684, 3684। यहाँ हम क्या करेंगे, 3000 है तो 1000 के नीचे 3 लिखेंगे, 600 100 के नीचे 6 लिखेंगे, 84 तो हम यहाँ पर 84 लिखेंगे, वंस और टेंस साथ में। ऐसे ही आपको सी और डी करने हैं, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया आपको एबिकस फिल करना है, एबिकस फिल करना है आपको, रिप्रेजेंट द गिवन नंबर ऑन द एबिकस एंड राइट द नंबर नेम इन द बॉक्स। यहाँ आपको नंबर नेम लिखना है 3727, ये आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, और एबिकस में फिल करना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड इज योर होमवर्क, ठीक है। ओके, गुड बाय।